छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बजट सत्र का शुरुआत हुआ है। आज अनुपूरक पे चर्चा होना है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कभी ये संसदीय परंपरा नहीं रही है कि जिस दिन अनुपूरक पे चर्चा हो उस दिन स्थगन पे भी कोई चर्चा हो। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रतिपक्ष के साथी लगातार मांग कर रहे हैं और शून्यकाल में चर्चा की मांग करते हुए लगातार आरोप लगा रहे हैं। परंपरा हमेशा से रही है कि चर्चा का अवसर होता है बजट सत्र, और चूंकि आज अनुपूरक में माननीय मुख्यमंत्री जी को रिप्लाई करना है तो चर्चा का भारतीय जनता पार्टी के पास भी अवसर है, लेकिन दुर्भाग्य है वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, अनर्गल प्रलाप करके केवल आरोप लगाना चाहते हैं और नारेबाजी कर सदन का समय जाया करना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज का जो प्रतिपक्ष का व्यवहार है उसको उचित और संसदीय नहीं कहा जा सकता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या के बाद उनका ये प्रश्न है, हम लोग पूछना चाहते हैं, बस्तर में दंतेवाड़ा जेल ब्रेक हुआ, सैकड़ों नक्सलियों को छोड़ा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी? हमारे 34 नेता महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे लोग शहादत को प्राप्त हुए, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोग भी आरोप लगाते रहे कि वो भी टारगेट किलिंग था, हमने अपने नेताओं को खोया और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद हुकूमत में आती रही, तो ये आरोप तो सत्य साबित होते रहा है ना। तो इस बारे में उनको चर्चा करनी चाहिए, केवल नाराबाजी करके कोई उत्तर नहीं लिया जा सकता। हमने पहले भी कहा है सत्र की अवधि से समय का कोई लेना देना नहीं। पहले भी हम लोग 12-12 बजे रात तक सत्र चलाए हुए हैं, लंच का समय समाप्त करके सत्र चलाए हुए हैं और अभी भी सरकार तैयार है हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए, लेकिन केवल नाराबाजी करके सदन में व्यवधान डालने के बाद अगर सत्र चलाने की बात कहेंगे तो ये तो प्रतिपक्ष के विवेक पे इसको मैं छोड़ता हूँ।